जी के द्वारा इस लाल पिता को आज का शुभारंभ किया गया। आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और मैं लड़की प्रतिभागियों से आग्रह करता हूँ कि आप जो दौड़े आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज में। आज उपस्थित हूँ बलौरा पंचायत में और बलौरा पंचायत के बलौरा में ही गुजस्ता मोड़ है, वहाँ पे ऑल द वेस्ट क्लब के द्वारा बलौरा के ही रहने वाले हैं समाज सेवी गुड्डू यादव के द्वारा दौड़ प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लड़के एवं लड़कियों दोनों की तरफ से दौड़ प्रतियोगिता कराई गई है। उसमें यहाँ पे दोनों तरफ से लोगों ने प्रथम सेकंड और थर्ड का प्रतिभागी यहाँ पे खड़ा है। तो मैं जानना चाहूंगा वो समाज सेवी जिन्होंने इतनी बड़ी जो उनकी सोच बनी जो इतने बड़े रेस प्रतियोगिता कराने का काम किए हैं और इसमें ये सारे जो प्रतिभागी हैं इन्होंने हौसला रखकर और इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने का काम किए, तो उनसे जानना चाहेंगे कि इनका मकसद क्या था दौड़ प्रतियोगिता कराने का। बताएंगे अपना परिचय। इस ग्राम पंचायत का जो भी प्रतिभागी भाग लिए हैं, जो हम लोग के हमारा तरफ से इसको मनोबल को ऊंचा करने के लिए मैं एक छोटा प्रोग्राम किए और जैसे इस बार हमारे जो भी साथी लोग सहयोग किए हैं वो अगले साल भी इसी तरह से करेंगे, तो इससे बड़ा प्रोग्राम कराने का हमने वादा किए। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी कार्यक्रम करना संभव नहीं है। और कुछ बोल रहे थे बताएंगे। मैं सभी प्रतिभागियों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने जो भी प्रतिभागी यहाँ भाग ले उनको धन्यवाद देने का काम किए। तो मैं जानना चाहूंगा जो लड़की की रेस में सबसे प्रथम बार प्रथम स्थान हासिल किया, क्या नाम हुआ आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? बलौरा। आपने क्या सोचकर पहली बार इस दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्या सोचा था कि मैं प्रथम स्थान ही प्राप्त करूँ, बताएंगे दर्शकों। बोलो बोलो न्यूज पर चैनल बोलिए बोलिए क्या सोच था आपका, पहले से तैयारी किए थे आप? नहीं किए थे, पहली बार इसमें दौड़े हैं? घर पे नहीं दौड़ते थे? ये देखिए प्रथम स्थान लाए हैं, इन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि मैं घर पे प्रैक्टिस नहीं भी करते हुए इस दौड़ प्रतियोगिता में पहले बार प्रथम स्थान हासिल किए हैं। आपका नाम? शारदा कुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? बलौरा के। आपने क्या सोचा था आपको है पीछे में हार जाना? क्या सोचा था कि मैं भी इस दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाऊंगा, लेकिन आपने नहीं करता है कि पीछे रहे। अच्छा। तो मन करता है कि आगे रहे। अगली बार क्या है आपका वो सोचोगा? हाँ, सोचेंगे कि आगे मतलब कि प्रथम लाने का। हाँ। चलिए आपका नाम? रेणु कुमारी। कहाँ के रहने वाले? बलौरा के। कैमरा स्थान लाया आप? तीसरा। अगली बार क्या है आपका सोच होगा कि प्रथम स्थान प्राप्त करें? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़के के दौर में दो साथी हैं, एक कहीं चले गए हैं, एक जो प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं जिनका दौड़ मैंने भी देखा, यानी इतना रेस से ज्यादा था कि किसी भी दौड़ प्रतियोगिता को हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी उनका इसमें भूमिका है। सबसे पहले आपका नाम? विकास कुमार। हाँ जी, आप बताएंगे कि आपने इस प्रतियोगिता में भाग लिए थे तो क्या सोचते थे शुरू में कि मैं कितना स्थान पे प्राप्त करूंगा? जब मेरे पास पहली बार आया था सूचना, तो हमने घर पर तैयारी बहुत दिनों से कर लगातार 3 साल से, और हर जगह जाते हैं, कहीं प्रतियोगिता होता है हमारा नहीं जाता तो हम जाते हैं, और हर बार तो करीब ज्यादा न कर सकते 8-9 बार हम फर्स्ट आए हैं। अलग अलग गया जाते हैं, पटना जाते हैं, बक्सर भी जाते हैं, तो फर्स्ट आते हैं। वही सोचकर मैं फिर यहाँ दोबारा आया था कि फर्स्ट ही लाना है, लेकिन 1600 में मेरा टाइमिंग 4:37 रहता है, यहाँ पे ज्यादा हुआ
2627 को बढ़ा दिया गया, उसके चलते थोड़ा खाली पैर और ग्राउंड में दौड़ते हैं तो अच्छा ही दौड़ते हैं। और अगली बार क्या है आपका सोच होगा, जब अगली साल यहाँ पे प्रतियोगिता होगी तो क्या प्रथम स्थान लेने का काम करेंगे? जिस तरह से हमारे भाई अब कुछ 10-20 मीटर पीछे छोड़े हैं, उसी सपना को लेकर हम एक दूसरे को काटने का प्रयास करेंगे कि 20 मीटर और 30 मीटर पीछे ही रखे दूसरे को और फर्स्ट आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे हैं प्रथम स्थान पाने वाले जो यूपी से चलकर आए हैं, क्या नाम हुआ आपका? पवन जी, आप क्या सोचकर आए थे अपने दूसरे स्टेट से बिहार में कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो प्रथम स्थान ही लाऊंगा, क्या सोचकर आए थे आप? सबसे पहले मैं कमेटी की सदस्य से नमस्कार करता हूँ। बहुत ही अच्छा मिला, संस्कार मिला। हमारे बड़े भैया बुलाए थे यहाँ पे खेलने के लिए भी, यहाँ कम्पटिशन है, शादी नहीं आई। हम कब से अपने खेलते हैं, कब से मैं साइकिल और मोटरसाइकिल लेके बोले थे वो सब खेलता हूँ, स्टेट लेवल नेशनल सब कुछ खेलने के लिए। बड़े भैया बुलाए कि आओ, मैं तुम्हारा रेस में देखना चाहता हूँ। बिहार में आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। ये है प्रथम स्थान पाने वाले पवन कुमार, जिन्होंने यूपी से चलकर बिहार में आए और आने के बाद इस बिहार के धरती पर भी अपने जलवा को बिखारे और प्रथम स्थान लाने का काम किए हैं। और कुछ बोल रहे थे आप? भैया के एकेडमी है जो भी भाई हमारा पंचायत के माननीय मुखिया हैं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर और सभी प्रतिभागियों को हौसला बढ़ाने का काम किया और पूरी अपने समय देने का काम किया, उनसे जाना चाहते हैं इसके बारे में। सर बताएंगे अपना परिचय आप? सर्वप्रथम मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार और मित्र भी हैं और इनके द्वारा आयोजन किया गया, इसके लिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मेरे तरफ से भी। जो इनका शुरुआत रहा है, अगले वर्ष होगा, हम लोग सब इनके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे और एक सफल आयोजन करने का काम करेंगे। अच्छा, जहां तक बात करी फर्स्ट इतना रेस प्रतियोगिता हुआ, हम लोग भी कराते हैं, कहीं और जाते हैं, फर्स्ट टाइम हम देखे कि आज बच्चियों को दौड़ते हुए। इनका जज्बा को मैं सलाम करता हूँ कि इनके अंदर में कम से कम जागृति आई कि हम चल के दौड़ेंगे और देखिए सफलता असफलता मिलने से असहज नहीं होना चाहिए, अगली बार और तैयारी आप लोग की। इन लोग को देख के और अच्छा लगा और आगे और बढ़ावा हम लोग देने का काम करेंगे जिससे सफल आयोजन हो सके। फिर से एक बार सभी को बधाई देता हूँ। ये थे हमारे उफारा पंचायत के मुखिया, जिन्होंने सभी और इस आयोजक को भी संतावना देने का काम किया कि इतनी बड़ी सोच रखकर और इतने बड़े आयोजन किए, अगली बार इस आयोजन में इन्होंने एक साहस दिए कि मैं और सारे लोगों ने मिलकर इससे बड़ा प्रतियोगिता करने का काम करेंगे। आप देख रहे थे बीएजे टीवी जनता की आवाज, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।